Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. Hello friends, welcome to Pharma for You. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के अंदर जो कंटेंट पूछा जाता है. एग्जामिनेशन की डिटेल्स तो आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए मिल जाती है. उसमें तैयारी कैसे करनी है आपको फार्मेसी के लिए, फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री में जो आप पढ़ते हैं उसका जो कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेवल इतना हाई भी नहीं रखने वाले हैं कि आपको GPAT में पूछा जाता है वो क्वेश्चन. हम लोग वही क्वेश्चंस और वही पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एक फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो सिलेबस वाइज हम पहले MP फार्मासिस्ट का जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं. हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ने वाले हैं. कंटेंट थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा. कंटेंट थोड़ा पढ़ने के बाद हम लोग जो मेन एग्जामिनेशन में आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डोजेस फॉर्म. तो चलिए शुरू करते हैं. डोजेस फॉर्म नाम से ही हम समझते हैं एक तरह का डोज. ओके, जिस डोज, जिस एज और जिस फॉर्म में आप ड्रग को देने वाले हैं उसको कहते हैं डोज एज फॉर्म. ओके, डोज एज पर दी एज और उस फॉर्म. आपको पता है बच्चे को अलग डोज जाता है, बड़ों को अलग जाता है, फॉर्म अलग जाता है, टेबलेट अलग जाता है, कैप्सूल अलग जाता है, सिरप अलग जाता है, तो वही कहलाता है डोजेस फॉर्म. तो द फॉर्म इन विच ड्रग मॉलिक्यूल इज प्रेजेंटेड इन द मार्केट इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म. तो देखिए, जितनी भी ड्रग्स होती है मार्केट में वो आपको कहाँ से मिलती है? वो नेचुरल सोर्स से मिलती है, या तो वो नेचुरल सोर्स से मिलती है या फिर वो ऑर्गेनिक तरह से किसी लैब के अंदर बनाई जाती है. तो वो जो फॉर्म होता है उनका, आप देख सकते हैं कोई सी ड्रग आपको फिश लिवर ऑयल लिक्विड मिलता है, आप टेबलेट की बात करें एस्प्रिन वगैरह आपको सॉलिड मिलती है. तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली एज इट इज़ आप पेशेंट को नहीं दे सकते. उसको आपको ऐसे फॉर्म में लाना होगा जो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो, पेशेंट को अच्छा लगे लेने में. ओके, तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, दैट इज़ कॉल्ड डोजेस फॉर्म. अगर हम डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करते हैं, पहला जो फॉर्म होता है दैट इज़ फिजिकल स्टेट, यानी कि जो आपकी टेबलेट है, मतलब फिजिकल स्टेट यानी जो डोजेस फॉर्म है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है. इट माइट बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और सेमी सॉलिड. तो ये हो गया पहला, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन. सेकेंड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, आप किस फॉर्म में उसे ले रहे हैं? आप उसे ओरली ले रहे हैं, आप उसे पेरेंट्रल फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसे रेक्टल से ले रहे हैं, आप उसको नेजल से ले रहे हैं, तो देट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. साइट ऑफ एप्लीकेशन, आप उसे किस साइट पे लगा रहे हैं? ओके, दैट विल बी आई, टूथ, स्किन, हेड, कहाँ पे आप उसे लगा रहे हैं, दैट इज साइट ऑफ एप्लीकेशन. द लास्ट इज यूज. यूज में सिर्फ दो फॉर्म आते हैं, आइदर यू कैन यूज इट एक्सटर्नली और इंटरनली. तो ये चार तरह के डोजेस फॉर्म क्लासिफिकेशन है. बहुत ही कम चांसेस है क्वेश्चन आने का, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करा जाता है. तो फिजिकल स्टेट से जब हमने क्लासीफाई किया तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड सेमी सॉलिड आता है. तो सबसे मेन जो डोजेस फॉर्म आता है वो होता है टेबलेट. तो हम शुरू करेंगे टेबलेट डोजेस फॉर्म से. देखिए, 70-80% मार्केट में जितने भी फॉर्मुलेशन आते हैं वो टेबलेट डोजेस फॉर्म के आते हैं. क्यों? क्योंकि टेबलेट डोजेस फॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम देखेंगे आगे क्या होते हैं. अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये कहलाएगा एक यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म. यूनिट यानी एक सिंगल यूनिट में आपका पूरा डोज आने वाला है. सॉलिड यानी जो फॉर्म है उसका सॉलिड रहने वाला है. ये जो डोजेस फॉर्म कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज टेबलेट. तो अगर हम टेबलेट को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे द यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म विच इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ पाउडर ड्रग. जो पाउडर ड्रग होगी उसको जब हम कंप्रेस करेंगे, बाय द कंप्रेशन ऑफ पाउडर्ड ड्रग विथ और विदाउट एक्सीपिएंट इज कॉल्ड एज टेबलेट. यानी टेबलेट को प्रिपरेशन का मेथड भी आ गया इसके अंदर. जो सॉलिड पाउडर है आपके पास उसको आपने कंप्रेस किया तो जो बनने वाला है दैट विल बी कॉल्ड एज
टेबलेट। तो देखिए हमने बात करी यहाँ पे टेबलेट किस किस से मिलके बना होता है। तो एक चीज़ जो होती है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उसका वो API होता है, एंड द नेक्स्ट अदर ऑल थिंग्स आर एक्सीपिएंट्स। ओके, अगर आप कोरिलेट करेंगे किसी भी डोजेस फॉर्म को या फार्मेसी को, तो आप अपने घर में कुकिंग को उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सिर्फ कोरिलेट करने का बोल रहा हूँ, आप उससे मतलब बिल्कुल ही एज इट इज़ ना माने। आपको घर में कुछ बनाना होता है तो आपको उसको इस फॉर्म में देना है कि आपके जो घर के परिवार के सब लोग हैं वो उसे खुशी खुशी खाएं। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास आटा है तो आप डायरेक्टली उनको आटा नहीं प्लेट में सर्व करेंगे कि भैया ये आटा खा लो, तो आप उसे रोटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रोटी देंगे। तो वही होता है जब आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में ड्रग है उसको आप टेबलेट में कन्वर्ट करेंगे, देन डायरेक्टली यानी जो टेबलेट का मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ आटा, आप एग्जांपल कर सकते हैं आटा, डायरेक्टली आटा भी दे सकते हो उसको फिजिबल बनाने के लिए, आप उसके अंदर नमक डालेंगे भैया रोटी बनाने के लिए, तो जो सॉल्ट रहेगा उसके अंदर डेट विल बी ऑन एक्सीपिएंट। सब्जी बना रहे हैं तो जो गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो गोभी उसके अंदर रहेगी, API और अदर चीज़ जो आपने डाला उसमें टमाटर धनिया पानी वो सारी चीज़ें रहने वाली एक्सीपिएंट्स। तो API मेन है जो हमारा बॉडी में जाके काम करने वाला है, एंड एक्सीपिएंट्स वो चीज़ें हैं जिनको मिलके आप उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो उसको और फिजिबल बना रहा है बॉडी में इनटेक के लिए। ओके, तो टेबलेट इज फॉर्म बाय एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सीपिएंट्स। ओके, तो ये दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, टेबलेट। इसी के साथ हम इस टेबलेट के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए जो टेबलेट होता है पैकेजिंग मेथड जो होता है उसका हाईली टेम्पर प्रूफ होता है। टेम्पर प्रूफ मतलब अगर वो खुला है तो आपको दिखेगा भैया खुला है, तो आप उसे यूज़ ना करें। जो प्रिसिशन होता है डोज प्रिसिशन बहुत अच्छा होता है। एक टेबलेट के अंदर आपको जितना अमाउंट ऑफ ड्रग बोला है वो आपको पूरा मिलेगा बॉडी में, सॉल्यूशन में आप इतना एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं। अगर आप उससे शेक नहीं कर रहे हैं तो क्या पता वो आपके फॉर्मुलेशन में उतनी ड्रग आई है या नहीं आई है। लाइट वेट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इजी, टेबलेट आर इजीली टू सोलो। बच्चों में नहीं हो पाता है ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी बड़ों के लिए टेबलेट सबसे आसान होती है लेना क्योंकि आपको कुछ स्वाद वगैरह आना नहीं है माउथ के अंदर, सीधे आप उसको सोलो कर लेंगे। टेबलेट कैन बी मॉडिफाइड, एंटरिक सस्टेंड रिलीज आप उसे बना सकते हैं। केमिकली और मैकेनिकली स्टेबल रहते हैं क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सम डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं इसके। अगर मॉलिक्यूल जो अपना पाउडर है उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है तो आप उसे सही से कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज सब प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर लाइक हाइग्रोस्कोपिसिटी लो डेंसिटी ये होती है तो उसको अपन कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। लार्ज डोज लगता है तो आप उसको टेबलेट फॉर्म में नहीं ले सकते, टेबलेट ज़्यादा बड़ी हो जाएगा तो स्वलो नहीं कर पाएंगे। अगर जो ड्रग है वो डिजोल्यूशन उसका अच्छा नहीं है, वो डिजोल्व नहीं हो पाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो भी आप उसको टेबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ ही डिसएडवांटेजेस थे टेबलेट के, और इसके एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा डोजेस फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो टेबलेट होता है। सो, ये सारी डिटेल्स थी टेबलेट्स के बारे में। तो ये सब बेसिक हमने देख लिया है, अब हम आगे बात करने वाले हैं एक्सीपिएंट्स की, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसे ही वाइट बोर्ड वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं, आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, यानी एक्सीपिएंट्स पूरा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो टॉपिक्स कवर होते हैं क्वेश्चंस कवर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिमाइंड करने वाले वो सब हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं, तो हम इस वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।